झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी सदन के बाहर और सदन के अंदर जेपीएससी के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी पार्टी के विधायक जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं रिजल्ट रद्द करने के साथ ही विपक्ष दल के विधायक जेपीएससी चेयरमैन अमिताभ चौधरी को बर्खास्त करने की मांग भी कर रहे हैं। सदन के भीतर अपनी दोनों मांगों को लेकर विपक्षी दल के विधायक हाथ में तख्ती लिए प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सदन के अंदर भी बैनर पोस्टर लहराए और आसन के समक्ष बेल में आकर हंगामा किया। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि जेपीएससी के चेयरमैन अमिताभ चौधरी झारखंड के मूल निवासी नहीं हैं, इसलिए वो आदिवासी और मूल निवासियों का हक छीन रहे हैं। उन्होंने जेपीएससी में कथित गड़बड़ी की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। झारखंडी है क्या? तो बाहर का आया हुआ आदमी आज झारखंड को डिक्टेट करेगा और झारखंड का आदिवासी मूलवासी और झारखंडवासी सुनेगा, यह हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री को सदन में आना होगा, जेपीएससी पर बयान देना होगा, अमिताभ चौधरी को बर्खास्त करना होगा, सीबीआई जांच करानी होगी, नहीं तो सदन की कार्रवाई हम लोग निश्चित तौर पर ये बात को रखते रहेंगे कि जेपीएससी का जाँच हो और मिथिलेश ठाकुर जैसे लोगों को झारखंड के छात्रों से माफी मांगनी। उसके बाद हम लोग समझेंगे, आगे की रणनीति हम लोग तैयार करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री को जब सदन चल रहा हो और ऐसे गंभीर विषय पर सदन के बाहर बयान दे रहे हो तो ये काफी निंदनीय है। वहीं बीजेपी के विधायक अमर बाउरी ने कहा कि जेपीएससी के मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जेपीएससी के घोटाले को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष छात्रों के हक में आवाज उठाता रहेगा। ये सरकार सदन चल रही है और सदन के बाहर में जो आप देख रहे हैं चीजों को डाइल्यूट करने का, चीजों को भटकाने का काम कर रही है। जेपीएससी में पूरी तरह से फंस गई है। इन लोगों ने रूपांतर जी के मर्डर को भी जस्टिफाइड करने का प्रयास किया था, लेकिन सच सामने आया और सीबीआई जांच होकर के आज वो सच बाहर तक आएगा। उसी तरह से जेपीएससी के घोटाले को भी जस्टिफाइड करने का ये असफल प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा, इसमें भी सच्चाई सामने आएगी और ऐसे तमाम लोगों का, सरकार सहित नौकरशाहों के गिरवात तक सरकार का कानून का हाथ पहुंचे। उम्मीद क्या है सदन चलेगा? ये सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, ये सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। झारखंड की 3.25 करोड़ जनता इस सरकार से उम्मीद दिखा रही है कि भाई हम लोग विपक्ष है, इस सरकार के नकेल कस करके इससे जवाब, इसके हलक से जवाब निकाल, लेकिन ये जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इस परिस्थिति में हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। जेपीएससी के मुद्दे को लेकर झारखंड की राजनीति गर्मा गई है, लेकिन ये मामला पॉलिटिकल माइलेज लेने का नहीं है। अगर छात्रों को ये लगता है कि जेपीएससी की पीटी की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि जेपीएससी से बनने वाले अधिकारी ही झारखंड के विकास की दशा दिशा तय करते हैं, इसलिए उनका चयन मेरिट और ईमानदारी के आधार पर किया जाना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।